अस्सलाम वालेकुम गाइज क्या हाल है कैसे हैं आप सब ओके जी एक मज़ेदार से दिन फिर से स्टार्ट हुआ और आज आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि हम जा रहे हैं नानों के घर और नानों के घर जाने की अपनी ही एक्साइटमेंट होती है जी बच्चा पार्टी रेडी कर ले बच्चों को मैंने कैप्श वीयर करवा लिया क्योंकि टेन ओ क्लाक हो गया है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा फॉग भी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने बच्चों को कहा जी चले जी अब हम चलते हैं नानों के घर बच्चे घर में रह के शायद बोर हो जाते हैं जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो वर वेरी एक्साइटेड बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं अच्छा जी वो एक्साइटेड हो रहे हैं दोनों ही रन रन कर रहे हैं मामा उनके पीछे आ रही हैं हम नानों के घर पहुंच गए हैं <laughs> बच्चे बहुत हैप्पी हुए हम भी बहुत खुश थे कि नानों घर जा रहे हैं फिर खाला भी आ गई हमारी और उनके बच्चे भी आ गए तो बच्चे और ज़्यादा खुश हो गए और खाला ने हमें सरप्राइज़ दिया बोल रही थी कि मैं दो चार दिन के बाद आऊँगी लेकिन जल्दी आ गई तो फिर वो यार वेरी एक्साइटेड तो मैंने सारे बच्चों के लिए नाश्ता बनाया मोस्टली कैजुअली एग बाइट जो बच्चों की तो बनती है वो बनाई और अपने लिए मैंने ओ यमी सा आमलेट बनाया टिक सामलेट बनाया और चपातियाँ हमने बनाई और फिर एग था कुछ सालन बना हुआ था रात का मटर और चिकन का वो गरम किया और थोड़ी सी ग्रीन चिली क्योंकि ग्रीन चिली का चस्का मैं ज़रूर लगाती हूँ जो मर्जी हो जाए और फिर मैंने ना सोचा कि थोड़ी सी करी पकौड़ा भी बनी हुई थी तो उसको भी मैंने गरम कर लिया ओके जी फिर हमने सर्व किया बहुत मज़े से खाया फिर बच्चे बहुत तंग कर रहे थे जी अभी ब्रेकफास्ट किया है अभी दी यार हंगरी हम बहुत हैं तो कुछ भी नहीं था तो मैं कहा चलो हमारी गली में एक शाप थी तो बच्चों को मैं वहाँ ले गई मैंने खाला को बोला कि आप मेरे आने तक ये सारा काम जरा हैंड ओवर करो तो मैं आती हूँ उनको जरा बिजी करके ना बहुत तंग कर रहे थे बच्चे ना अच्छा मैंने अंकल को बोला कि आप ना हमें तीन शापर बना दो लहदा लहदा थे ना फोर इसलिए कि बच्चे एक्साइटेड भी हो जाते हैं उनको पता है अच्छा ये मेरा है ये मेरा ये मेरा है तो वो अपना अपना आप पकड़ के बड़े अच्छे तरीके से ना खा लेते हैं ओके जी फिर मैंने कहा चलो आप सारे मेरे आगे आगे बाइक वगैरह ना आए तो मोहम्मद को मैं उठा लेती हूँ फिर हम घर वापस आ गए तो घर आके बच्चों को ओपन करके दिया फिर मैंने ना चने बॉयल किए हुए थे ममा ने चने बुयल कर दिए थे हमारे आने तक ना तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको तड़का लगा के जल्दी से कुक कर लेते हैं और वो भी बॉयल कर दिया हुआ था मटन भी तो फिर मैंने ना उसे अच्छे से बॉयल करके तो भून के तो चने बना लिए साथ बच्चे देख रहे थे मगर लंच में चलो ये सालन बना लेते हैं फिर देखेंगे कि और रात को क्या खाते हैं ओके जी यम्मी सा बन गया और <laughs> जी इतना क्लियर भी रिजल्ट नहीं था चलें जी इसमें जाएंगे अबाइज चने और फिर ये हमारा जो सालन है हम जल्दी से इसको रेडी कर देंगे क्लोजअप भी देख लें आप ना बहुत ही अमी सा अच्छा चने तो ऑलरेडी पहले से पॉइल थे फिर मैंने इसको इसमें डाल दिए और फिर अच्छे से ना उसको भुना भून के जीए अच्छे से कुक हो गए और बच्चे चूँकि बिज़ी हो गए थे इसीलिए उनको बिज़ी किया था मैं कहा चलो आपको कुछ ना खाने के लिए ला देती हूँ क्योंकि फिर आप बिज़ी हो जाओगे कब से मुन्था कह रही थी मम्मा मुझे उठाओ मम्मा मुझे उठाओ बच्चे बिना मैं छोटे वाली तो बहुत तंग करती है वो ना कहीं जाने भी नहीं देती और बहुत इरीटेट करती है लेकिन माओ की चलो ये ज़िम्मेदारी होती है माएँ ना बच्चों को फिर बड़े प्यार से ज़िम्मेदारी से और अच्छे तरीके से करती हैं गुस्सा भी आता है कभी कभी लेकिन है कि फिर मोस्टली अच्छा इसको फिर अच्छे तरीके से मैंने बुना और बुन के तो इसमें थोड़ा तो सा वाटर डाला फिर हमारा जो सालन था वो रेडी हो गया अच्छा जी फिर सोचा कि खाला लेके आई थी मगज़ तो फिर हमने सोचा मगज़ तो माँ जी ने बड़े अच्छे तरीके से इसको वॉश किया और मैं भी मोस्टली बहुत कम मैंने एक या दो दफ़ा सिर्फ मगज जो है वो बनाया होएगा तो फिर मैंने सोचा इसकी तैयारी करते हैं खाला ने मुझे प्याज जो है वो चाव करके दे दिया था तो मैंने उसको भूनना शुरू किया और फ्लेम स्लो कर दिया साथ साथ हम बातें कर रहे थे साथ साथ मस्ती कर रहे थे साथ साथ बातें कर रहे थे बच्चे भी हैप्पी थे तो फिर साथ साथ ही सारे काम जो हैं वो चल रहे थे जी इसमें टमाटर डाल दिए खूब सारे कट करके छोटे थे ना क्योंकि ये भुनेंगे ये एग की तरह होता है ना मतलब तो ये थोड़ा सा होता है भी इसमें नमक जाएगा साल जाएगा टर्मिंग पाउडर जाएगा तो फिर इसको आहस्ता आहिस्ता भुनेंगे साथ ही कवर कर रहे थे ने मुझे सारी चीज़ें कट कर, कर दी थी तो इसलिए इजी हो गया अच्छा इसमें ना मैंने नमक हल्दी और सुरख में डाल दिया और फिर इसको स्लो फ्लेम में मैं स्लो स्लो फ्लेम में ना चने तो हमारे बॉयल हो गए थे तो फिर हम स्लो स्लो फ्लेम में मैं जो है ना इसको कुक कर रही थी चले जी फिर इसमें मैंने थोड़ा सा इसको भी डाल के भुना तो इसमें थोड़ा सा मैंने ना ज़ीरा पाउडर डाला थोड़ा सा खुश्क धनिया डाला और थोड़ी थोड़ी सी अजवाइन डाली थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली ओ हा, हा, तो इसको अच्छे तरीके से ना मैंने थोड़ा सा मैश किया मैं कि इसको अच्छे से मैश करते हैं अभी मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि इसको किस तरह कुक करना है ना फिर थोड़ी थोड़ी हेल्प ले रही थी माँ जी को भी दिखा रही थी और आसिया को भी दिखा रही थी मैं क्या आप भी देखो फ्रीज में मैंने खूब सारा अदरक डाला ना फ्रीज किया था मामा ने ना इसको पीलाफ करके तो फिर अच्छे तरीके से सर्दी भी बहुत ही काम भी तरह नहीं होता लेकिन माँ जी के घर सर्दी फील हो ही नहीं थी रही अपने घर इतनी सर्दी लगती है इतनी सर्दी लगती काम करने को दिल नहीं करता माँ जी के घर शायद सुकून बहुत था रिलैक्सेशन बहुत थी बटन कोई नहीं था बच्चे भी खेल रहे थे तो ईजी हो गया ओके जी फिर मैंने प्लेट में इसको डाल हम मजे से इसको खाया बच्चे अपना मस्ती मस्ती मजाक खेल रहे थे फन मस्ती उनकी चल रही थी हम भी इंजॉय कर रहे थे खूब सारा बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे बच्चे वेरी हैप्पी बहुत खुश थे बहुत खुश थे नानों के घर ना हम भी आज सोए भी नहीं थे दोपहर को ना इतने खुश थे और खेल रहे थे और बहुत मजा आया बहुत सुकून का दिन गुजरा अभी दो चार दिन हम नानों के गाड़ी मौत मजे मस्ती करेंगे मजा आएगा अच्छा जी हमारा छोटू सा बच्चा भी आ गया पारू सा बच्चा भी हमारा आ गया वो भी खेल रहा था उसको भी मजा आया ओके जी मिस्टेक्स जो मेरी आपको नजर आती हैं बताया करो क्योंकि अभी न्यू तो गलतियां तो मैं बहुत